हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। अगर वही पोहा पराठा खा खा कर बोर हो गए हो तो इस नाश्ते को आप ट्राई कर सकते हैं। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स, टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। दोनों के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। देर न करते हुए चलिए हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए ये देखिए, सबसे पहले हमने चने की दाल को लिया है, 1 कप चने की दाल को लिया है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चने की दाल को हम थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, जिससे कि जो भी गंदगी हो, डस्ट हो, इसमें अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। दाल में पॉलिश भी चढ़ी रहती है, तो इसे 2 से 3 पानी से धुलना बहुत ज़रूरी है। इसे बढ़िया से पहले अच्छे से हम साफ कर लेंगे। तो नाश्ता बनाने के लिए फ्रेंड्स, दाल और चावल को हमने जो है रात में ही भिंगो करके रखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, दाल हमारी साफ हो गई है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। इतना डालेंगे जितना कि ये दाल अच्छी तरीके से अंदर जो है डूबे रहे, और इसे ढक करके हम रख देंगे। तो इस दाल और चावल को जो आपकी भिंगोने की प्रक्रिया है, ये 4 घंटे से 5 घंटे तक आपको इसे भिंगो करके रखना है। अगर आप चाहें तो इसे रात में भी भिंगो करके रख सकते हैं। मैं इसे रात में ही भिंगो करके रख रही हूँ, मॉर्निंग में इसे मुझे बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, मैंने जो है चावल भी लिया हुआ है। चावल भी मैंने जो है लगभग जो है 1 कप 1.25 कप मैंने चावल लिया है, और इसे भी मैंने अच्छी तरीके से धुल करके इसे भी भिंगो करके रख देना है। तो चावल को भी बढ़िया से हम साफ करेंगे, ताकि इसमें से भी जो गंदगी है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो इसे भी 3 से 4 पानी से अच्छे से धुल लेना है आपको। अब यहाँ पर भी पानी को डाल करके हम इसे भिंगो करके छोड़ देंगे, फिर मॉर्निंग में इसे हम आपको दिखाएंगे इसे कैसे बना करके तैयार करना है। अगर आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स और लंच के लिए बना रहे हैं, तो आप इसे रात में ही भिंगो करके रखें। दाल और चावल को भिंगोना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सॉफ्ट बनता है और क्रिस्पी बनता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप इसे शाम के लिए चाय के नाश्ते के लिए बना रहे हैं, तो फिर आप इसे सुबह में 4 घंटे के लिए भिंगो दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो दाल है कितनी अच्छी तरीके से भींग चुका है, और ये दाल अच्छे से टूट भी रहा है। तो ये दाल हमारा तैयार हो गया है। चावल भी हमारा, ये देखिए, अच्छे से जो है चावल भी फूल चुका है। तो अब क्या करेंगे, सारे चीज़ों को हम जो है अच्छे से फिर से एक बार इसका पानी को जो है ड्रेन कर देंगे, और इसके बाद हम यहाँ लेंगे एक मिक्सी जार। तो मिक्सी जार में हम यहाँ पर दाल और चावल दोनों को साथ में ही जो है इसे हमें पीसना है। आप चाहे तो इसे अलग भी पीस सकते हैं, लेकिन एक साथ पीस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर चलिए, दाल को पहले हम डाल लेते हैं, उसके बाद इसमें हम चावल को भी मिला देंगे। और नाश्ता आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं, जितना भी आपको कम ज़्यादा करना हो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने 1/2 कप इसमें दही डाला है। दही यहाँ पर हमारी जो है 1 दिन ही पुरानी है, बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सिर्फ 1 दिन अगर पुरानी हो तो दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अब इसमें 1/2 इंच का अदरक डाल देंगे, और डाल देंगे इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची। ये हरी मिर्ची तीखी है, और मिर्ची को हमने इस तरीके से बीच से तोड़ करके डाल दिया है, जिससे कि ये आसानी से पिस जाए। तो हम सारी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल करके पीस लेते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो दाल चावल है वो हमने पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं हम एक बाउल में। अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन आप रात में ही कर लेते हैं, तो इस नाश्ते को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से इस नाश्ते को आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं दाल की कंसिस्टेंसी, ये भी बहुत ज़्यादा ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, दाल को आपको थोड़ा सा दरदरा ही पीस करके तैयार करना है। अब इसमें कुछ थोड़े से मसाले डालेंगे। यहाँ पर डाल देंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च की पाउडर, और 1/4 चम्मच ही इसमें डाल देंगे हम लाल वाली पीसी तीखी वाली मिर्ची। साथ में यहाँ पर डालेंगे हम जो है 1/2 चम्मच गर्म मसाला। आप यहाँ पर कोई भी मसाला का फ्लेवर दे सकते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे हम इसमें 1/4 चम्मच जो है इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर। हल्दी थोड़ा सा कम ही डालना है आपको। और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी, और सूजी डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला देंगे। और जैसे ही इसमें हम सूजी डालेंगे फ्रेंड्स, तो सूजी भी अभी ये फूलेगी, तो दाल अभी हमारा और भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, हम 10 मिनट के बाद इसमें पानी को ऐड करेंगे। चलिए, इसके पहले हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद एक बार फिर से अच्छे से इसे मिला देते हैं।
और 10 मिनट के लिए फ्रेंड्स इसे हम ढक करके रख देते हैं। तब तक हम देख लेते हैं दूसरी प्रिपरेशन को। इधर मैंने चढ़ा दिया है पैन और डाल दिया है इसमें सरसों का तेल। 2 चम्मच सरसों का तेल इसमें डाल दिया है और यहाँ पर डाल देंगे इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम काली मिर्च का पाउडर, साथ में यहाँ पर डालेंगे इसमें हम घर का बना हुआ हमारा 1 चम्मच मिक्स मसाला। यहाँ पर डाल देंगे 1/2 चम्मच इसमें धनिया का पाउडर, थोड़ा सा राई डाल देंगे 1/4 चम्मच, साथ में यहाँ पर डाल देंगे हम इसमें थोड़ी सी जो है जीरा 1/4 चम्मच जितना जीरा भी डाल देंगे, और थोड़ी सी यहाँ पर डाल देंगे चुटकी भर की हल्दी। तो हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ी सी ही डालना है हल्दी आपको। और इसे डालने के बाद हम फ्रेंड्स इसे चला देंगे। चलाने के बाद यहाँ पर हमने आलू को पहले से बॉयल कर लिया था और इसे कद्दूकस कर लिया था, तो इसे भी हमने डाल दिया है। इसे डालते वक्त हम कैमरा को ऑन करना भूल गए थे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सभी चीज़ों को हम अच्छे से मसालों को भूनने के बाद ही इसको आलू को ऐड किए हैं। आप भी इसी तरीके से बना लेना। आलू को अच्छे तरीके से भूनते हुए इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे। इस नाश्ते को आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हेल्दी के साथ साथ ये नाश्ता टेस्टी भी है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए हमारा आलू अच्छे तरीके से भून चुका है और इसे 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से हमने इसे भुना है। अब इसमें थोड़ी सी हम टेस्ट के लिए डाल देंगे इसमें हरी धनिया। और हरी धनिया डालने के बाद इसे हम वापस फिर से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए आलू अच्छे से मैश हो गया है और हमारा जो है आलू की स्टफिंग बन करके तैयार हो गया है। और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और आलू को ठंडा होने देते हैं, रख देते हैं साइड में। यहाँ पर देख लेते हैं हम दाल और चावल का बैटर को। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है ना इस तरीके से कितना ज़्यादा अभी ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी को भी ऐड करेंगे, इसके पहले हम इसे थोड़ा सा फेंट देते हैं। और यहाँ पर इसमें डालेंगे हम 2 चुटकी जितना डालेंगे यहाँ पर खाने वाला सोडा। तो ये मीठा सोडा है जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर इसे डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हम पानी भी डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपको, थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है और इसे फिर से एक बार चला देंगे। अब इसके बाद आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको इसका रखना है। तो ये देखिए सोडे को अच्छे तरीके से हमने मिला दिया है और देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से आपको रखना है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं। तो चलिए यहाँ पर जो है हमारा बैटर तैयार है। यहाँ पर ये देखिए आलू ठंडा हो चुका है, हमें इस तरीके से इसकी टिक्की बना करके तैयार कर लेना है। और अब इधर एक चढ़ा देंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाल दिया है 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल यहाँ पर आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे जो हमने बैटर बना के रखा है, 1 कलछी भर के अच्छे से इसको डाल देंगे। इसके बाद जो हमने जो है आलू की टिक्की बनाया है, टिक्की को भी हम जो है इसके ऊपर रख देंगे। और अच्छे से इसे सेट करते हुए इसके ऊपर वापस फिर से थोड़ा सा बैटर को इस तरीके से कवर कर देंगे। आलू को टिक्की को अच्छे से आपको कवर कर देना है और इसे ढक देना है 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम फ्रेंड्स चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा 2 से 3 मिनट हो चुका है फ्रेंड। तो हम इसे जो है देख लेते हैं नीचे से एक साइड से ये हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी साइड को हम छुड़ा लेंगे और फिर इसे धीरे से हम पलट देंगे। तो ये देखिए अच्छे से एक साइड ये हो गया है। अब दूसरी साइड से भी हम हल्का सा इसमें तेल डाल देंगे। बहुत ही कम तेल से इस नाश्ते को आप बना करके तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए फिर से तेल डाल करके इसे हम ढक देंगे और फिर इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए वापस जो है बाद में फिर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आया हो तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई रेसिपी बनाएं तो इसकी नोटिफिकेशन फ्रेंड सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर ये देखिए हमने जो है इसे है दोनों तरफ से अच्छी तरीके से ये देखिए प्रेस करते हुए इसे सेक लेना है बढ़िया से फ्रेंड्स। और ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। और यहाँ पर ये देखिए हमें जो है इसी तरीके से ना सारे नाश्ते को बना करके तैयार करना है। तो आप इसे बच्चों को आराम से टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, आप चाहे तो इसे सुबह शाम चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं और झटपट से बन जाता है, पेट भी अच्छे से भर जाता है।
तो चलिए यहाँ पर ये देखिए हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स और इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है, इसे हमने सर्व कर दिया है। आप इसे मनपसंद चटनी के साथ, सॉस के साथ, जैसा भी चाहे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमने नाश्ते को दही के साथ सर्व किया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस नाश्ता बनकर के तैयार होता है फ्रेंड्स। तो चलिए रेसिपी को एंजॉय कीजिए, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।